सब्सक्राइब करिए हमारे इस चैनल को और पाते रहिए ऐसी अपडेट्स और ऐसे ही वीडियोस। याद रखिए सब्सक्रिप्शन हमेशा फ्री होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम, हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम मी। और आज हम बात करने जा रहे हैं आपसे, एक नई वीडियो ऑटोमोटिव संबंधित बना रहे हैं। आज से हम बात करने जा रहे हैं कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होता है कार का, उसमें कौन कौन से आइकन होते हैं, हमारे जो वार्निंग लाइट्स बोल रहे हैं या फिर उसमें हम सिंबल्स बोल रहे हैं, वो क्या चीज़ क्या डिनोट करती है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं। सबसे पहले हमारा ये जो है, जब क्लस्टर बंद है तो उसमें कुछ नहीं होता है। अभी एक मिनट, हम इसकी की को ऑन करते हैं। ये देखिए, हम देखिए की जब ऑन हुई तो उसमें कुछ ABS एयरबैग सिंबल बना आया। तो जब हमारा नॉर्मल इंजन होता है, कोई दिक्कत नहीं होती, तो उसमें हमारा अभी गाड़ी स्टार्ट नहीं है, तो बिना गाड़ी स्टार्ट के हमको कुछ सिंबल नहीं है, वो ज़रूर आने चाहिए। सबसे पहला जो येलो कलर में स्टेयरिंग के बना हुआ है, उसका मतलब है कि आपका जो पावर स्टेयरिंग है उस समय ऑफ है, क्योंकि जो ऑफ रहता है जब तक इंजन स्टार्ट नहीं होता, तो वो हमारा कभी इंजन स्टार्ट होने के बाद नहीं होना चाहिए। अगर है तो कोई दिक्कत है, आपको सर्विस सेंटर पर दिखाना चाहिए। दूसरा, सीट बेल्ट, तो गाड़ी अभी बंद है, हम आपको सिखा रहे हैं, तो ये सीट बेल्ट का सिंबल है, सीट बेल्ट नहीं बांधी। और फ्रेंड्स ये देखिए, ये जो एक और सिंबल आ रहा है, इसमें गाड़ी बनी हुई है, इसमें डोर ओपन का है, तो ये डोर ओपन का ये दिखाता है, डोर पीछे का हैच या फिर आपका आपका हुड आगे का ओपन है, तो ये दिखाता है कि आपका ओपन है, तो ये भी एक वार्निंग सिंबल है। तो आपको सीट बेल्ट बांधनी है तो ये हट जाएगा। और ये है एक बीच में जो बना हुआ है, एक वो है हैंड ब्रेक इंगेज्ड का, आपका जब तक रहेगा या तो गाड़ी आपकी हैंड ब्रेक में है या फिर आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई है। और सबसे साइड में जो बैटरी बन रही है, वो बैटरी है, उस बैटरी का मतलब ये है कि आपकी बैटरी समय चार्जिंग मोड पर नहीं, डिस्चार्जिंग मोड जो होता है वो होता है जब गाड़ी खड़ी होती है, चल नहीं रही होती है। और ये एक इंजन बना हुआ है हमारा, वो इंजन ये दिखा रहा है कि इंजन चेक लाइट होती है, वो जब तक स्टार्ट नहीं होती तब तक आनी चाहिए, और स्टार्ट होने के बाद आ रही है तो इंजन में कोई दिक्कत है, सर्विस सेंटर पर जाएं। और दोबारा आपको एक और चीज़ दिखाते हैं, जैसे हमारा जो है इंजन चेक लाइट, दोबारा से जो ऑन करेंगे तो एक दो सिंबल और आएंगे, देखिएगा ऑन करते हैं, देखिए एक एयरबैग का आया, एक ABS का, ये भी सिर्फ जब हम ऑन होनी गाड़ी तभी आना चाहिए, वैसे नहीं आना चाहिए। और अगर आ रहा है तो ABS या एयरबैग सिस्टम में कोई दिक्कत है। और आपको हम दिखाते हैं, हम सीट बेल्ट बांध कर दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने अब सीट बेल्ट बांध ली है, तो हमारी सीट बेल्ट बांधने के बाद जो है हमारा वो सीट बेल्ट का सिंबल जा चुका है, तो ये सिंबल रहते हैं जब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं है। गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, आइए, ठीक है। ठीक, गाड़ी जब स्टार्ट हुई तो बाकी सब जो सिंबल थे वो सब चले गए। तो यह एक हेल्दी नॉर्मली एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है गाड़ी स्टार्ट होने के बाद का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है हैंड ब्रेक का, इसलिए क्योंकि हैंड ब्रेक मैंने लगा रखा है, क्योंकि ये मेरी गाड़ी घर में खड़ी है, तो इसलिए ये इस समय खड़ी में स्टेशनरी में हैंड ब्रेक का सिंबल बस आता है, और सिंबल नहीं आने चाहिए। आपकी गाड़ी बिल्कुल सही तब है, और आपके में कोई सिंबल आता है इसके बाद भी तो आपको कोई प्रॉब्लम है इंजन में या कहीं भी, चेक करना चाहिए। इसको देखिए, दोबारा ऑफ कर लेती हैं, देखिए ये आ रहा है, और देखिए सबसे नीचे एक सिंबल आ रहा है स्पीडोमीटर के बराबर में, वो है ऑयल चेक लाइट। ऑयल चेक का मतलब ऑयल प्रेशर जो है इंजन में, इंजन ऑयल प्रेशर दिखाता है, जब इंजन ऑयल फुल होता है तो प्रेशर सही रहता है। ये भी स्टार्ट गाड़ी में नहीं आना चाहिए, स्टार्ट गाड़ी में आ रहा है तो आपकी गाड़ी में इंजन ऑयल को चेक करें, पॉपअप कराएं, कोई दिक्कत है उसमें। और तो ये कुल मिलाकर सिंबल होते हैं, नॉर्मली हर गाड़ी में मिलेंगे आपको कुछ। और एक और तरह का सिंबल होता है, ये आपको उसके बारे में दिखा देते हैं। देखिए, हमने गाड़ी को इग्निशन को ऑफ किया, चाबी को निकाल लिया, देखिए आपके सामने चाबी निकाल ली गई है, ये चाबी है। तो अब देखिए, इसमें एक बार बार एक बीप रेड कलर की एक लॉक और गाड़ी बनी हुई आ रही है, बार बार आ रहा है, उसका मतलब ये है, वो ये दिखा रहा है कि गाड़ी चाबी निकाल ली गई है मगर गाड़ी अभी सेफ नहीं है, क्योंकि इसकी सेंट्रल लॉकिंग नहीं हुई है। अब देखिए, हम सेंट्रल लॉकिंग को कर देते हैं, देखिए आवाज़ आएगी आपको लॉक करने की, देखिए सेंट्रल लॉक हो चुका है। अब देखिए, वो जो लाल वाली गाड़ी है थोड़ी देर बाद आ रही है, तो वो ये कह रहा है कि आपकी गाड़ी बिल्कुल सिक्योर है, इस समय आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बाहर से कोई एंट्री नहीं हो सकती है। देखिए, हम अनलॉक कर दिया, जल्दी आने लग गया। तो ये होता है, आपको दिखाता है कि गाड़ी में आपकी सेंट्रल वो इंजन इमोबिलाइजर के बारे में होता है ये, कि बिल्कुल सेफ है गाड़ी। तो ये कुल मिलाकर कुछ सिंबल थे। और ऐसी और भी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स,
और लाइक करिए इस वीडियो को। बाय फॉर नाउ।